पूर्व चेयरमैन कर्नूल राठी कार्यालय पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का हुआ भव्य स्वागत। भाजपा के कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। खबर हरियाणा प्रदेश की शान न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां आज बहादुरगढ़ में भाजपा वरिष्ठ नेता कर्नूल राठी कार्यालय पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं ने उनका कार्यालय पर पहुंचने पर फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। नववर्ष के उपलक्ष्य पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में निखरी है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता व पदाधिकारी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। किसान देश का अन्नदाता है, उसके लिए सरकार किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार है। 4 जनवरी को आशा है कि किसान व सरकार की बातचीत सफल होगी। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि संगठन की मजबूती में हर कार्यकर्ता का अहम योगदान है। वो पूरी टीम वर्क के साथ पार्टी के जनाधार को बढ़ाने का काम करेगी। भाजपा में हर कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार की जनहितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि आए दिन पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पूरी ईमानदारी व पारदर्शी तरीके से कार्य करवाए हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक नरेश कौशिक, भाजपा वरिष्ठ नेता राजपाल शर्मा, पार्षद प्रवीण छिल्लर, पार्षद पति राजेश तंवर, मनोनीत पार्षद पालेराम शर्मा, रमेश राठी, परमिंद्र जांगड़ा, प्रधान जय भगवान, उप प्रधान प्रताप जांगड़ा, मुकेश जांगड़ा, सुमित बराही, विनोद, पूर्व पार्षद राजेंद्र मेहरा, कर्ण सिंह, सत्यव्रत काद्यान, अमित आर्य, कपिल चिकारा, भानु प्रताप, प्रवीण कुमार, सुमी धर्मविहार, पवन कुलासी, मनमोहित गुप्ता, विनू जांगड़ा आदि मौजूद रहे। सर, जो आज एकत्रित हुए थे, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, आज हमारे राज्यसभा सांसद माननीय श्री रामचंद्र जांगड़ा जी दिल्ली किसी फंक्शन में गए हुए थे, और आते समय वे सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए अपने यहाँ भाजपा कार्यालय में रुके थे। यहाँ पर सभी सम्मानित साथी बैठे हुए थे और कुछ अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने अच्छी अच्छी बातों से अवगत कराया, और जहाँ किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से, तो उस बारे में भी कार्यकर्ता उनसे पूछना चाहते थे कि भी सरकार किस तरफ, किस तरह का वो किसानों के प्रति। तो 4 तारीख को माननीय सांसद महोदय ने बताया है कि भाई 4 तारीख को ये मामला सुलझ जाएगा और किसान भी खुश होंगे और सरकार भी। इस तरह का निर्णय सरकार किसानों के पक्ष में लेगी कि कोई भी किसान भाई नाराज नहीं होगा, सभी किसान भाई खुश होकर अपने घर जाएंगे। अगर सरकार मान जाती है और किसान नहीं मानते तो क्या करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसान भी अपने हैं, सरकार भी अपनी है, और जो किसानों के फैसले में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसले किसानों के हक में लिए, वो आज तक किसी प्रधानमंत्री की ना सोच थी ना किसी ने इस तरह के फैसले लिए। सर, आने वाले पहले प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने ये बात कही है लोकसभा में भी, लोकसभा से बाहर भी, कि 2022 तक हम किसानों की आमदन दोगुनी करके रहेंगे और ये करके दिखाएंगे। सर, आने वाले चुनाव हैं बहादुरगढ़ में, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? आने वाले चुनाव तो अभी काफ़ी समय है, अभी तो 6 महीने तो वैसे ही बचे हुए हैं। 6 महीने के बाद जैसी स्थिति होगी डटकर मुकाबला करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और अपनी छोटी सरकार बनाएंगे। सर, जो अभी परिणाम बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और 2 सीटें हमने जीती हैं। बाकी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, और जनता जनार्दन का फैसला है, जो इनका फैसला होता है सबको मंजूर। धन्यवाद।